लखनऊ से मुंबई आ रही पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। जीआरपी कमिश्नर कैसर खालिद ने बताया कि इगतपुरी से पुष्पक एक्सप्रेस में 8 बदमाश सवार हुए थे और चलती ट्रेन में लूटपाट की गई, जिसके बाद एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये महिला पुष्पक एक्सप्रेस में अपने पति के साथ सफर कर रही थी। मुंबई जीआरपी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार कल्याण रेलवे स्टेशन पर इस घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया है। रेलवे पुलिस ने बताया है कि आरोपी लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में औरंगाबाद रेलवे डिस्ट्रिक्ट में आने वाले इगतपुरी के स्लीपर बोगी के कोच नंबर D2 में सवार हुए थे। रेलवे पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 395, 397, 376 डी, 354, 354 बी के तहत और भारतीय रेलवे एक्ट 37/153 के तहत मामला दर्ज किया है। जीआरपी ने बताया है कि जब ट्रेन घाट से गुजर रही थी तभी बदमाशों ने अपराध को अंजाम दिया है। जीआरपी के तरफ से आगे बताया गया है कि ट्रेन कसारा पहुंचने के बाद यात्रियों की मदद से गुहार लगाई गई और रेलवे पुलिस ने यात्रियों के गुहार पर एक्शन लेते हुए अब तक 4 बदमाशों को दबोच लिया है, जबकि 4 की तलाश जारी है। इस मामले की जांच DCP और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा की जा रही है। पुलिस ने ट्रेन से लूटी गई संपत्ति 96,390 रुपये और मोबाइल फोन 34,200 रुपये संपत्ति की लगभग जब्त की है। हम लोग यही कुछ इगतपुरी ट्रेन पहुंची, वहां से निकलने के बाद जो बोगदे आते हैं ना, उसके बाद से वो लोग चढ़े ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद वो लोग राउंड मारते हैं, उसके बाद में मारपीट चालू कर दिए। फिर वो मोबाइल छीने, पर्स छीने और लड़के लोग साथ में छेड़खानी किए, मारपीट किए। मोबाइल नहीं दोगे तो, पैसा नहीं दोगे तो मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मारा भी है? कितने को? 5-6 को मारा भी है, एक को तो ज़्यादा ही घायल कर दिया हम लोग। वो कहाँ पे अभी? है साथ में ही भगवान जी में है। कुछ लोगों को पकड़ा आप लोगों? एक को पकड़ा हम लोग यहाँ कसारा में आके और एक को पुणे यहाँ कल्याण में आके पकड़े। क्या चाहते हैं भैया? हम लोग यही चाहते हैं कि बस हमारा सामान, मोबाइल और पैसे मिल जाएँ, क्योंकि हमारे पास एक भी पैसा बचे नहीं है। और यहाँ से कल्याण से मुझे मुंबई जाना है CST।